हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जुलकर्णन। आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल लव फर्नीचर में। और आज का हमारा टॉपिक है रिपॉटिंग ऑफ माय रोज प्लांट और हाउ टू रिपॉट अ रोज प्लांट। जी, आप लोग किस तरह किसी भी रोज प्लांट को रिपॉट कर सकते हैं। तो ये जो मेरा रोज प्लांट आप लोग देख सकते हैं, मैंने इन दोनों को कटिंग से ग्रो किया है और मैंने इसे समर्स के समय ग्रो किया था। तो उस समय मुझे लग नहीं रहा था कि दोनों कटिंग मेरी सक्सेस हो पाएगी, इसलिए मैंने आप लोग के साथ इसका वीडियो शेयर नहीं किया। और मुझे इसकी काफ़ी अच्छी खासी केयर करनी पड़ी, तब जाके ये समर्स में भी सक्सेसफुली ग्रो हो गया। आप देख सकते हैं, नए नए बर्ड्स भी इनको आ रही है और काफ़ी अच्छा है। और जो मेरा पुराना प्लांट आप लोग, मैं दिखा देता हूँ, ये रोज़ प्लांट का काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने यहाँ दो कटिंग इसकी काट ली थी समर्स के समय में, इस वाले रोज़ प्लांट की। और तभी उन्हीं से मैंने सक्सेसफुली इस कटिंग को ग्रो किया, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं सोचा इसका रिपोर्ट कर दूँ, तो सोचा आप लोग साथ इसका वीडियो भी शेयर कर देते हूँ। तो इसी प्रकार आप लोग किसी भी रोज़ प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग को पॉट ले लेना जिसमें आप लोग रिपोर्ट करना चाहे, वो प्लास्टिक का या क्ले का। तो मैं देख सकते हैं दो पॉट यूज़ करूँगा, एक ये और ये। देख सकते हैं मेरा ये पुराना पॉट है जिसमें लगा हुआ था कोई प्लांट, तो मैं इसमें भी एक लगाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग ड्रेनेज होल प्लीज़ चेक कर लें कि आप लोग जिस भी पॉट में लगा रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल है या नहीं। अगर नहीं है तो किसी भी टूल से आप लोग बना लें। उसके बाद आप लोग क्या करना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो ड्रेनेज होल्स आप लोगों को दिख रहा है ना, इसे आप लोग किसी भी क्लॉथ की मदद से इस तरह ढक दे, या तो ये पॉट का जो टुकड़ा वगैरह होता है उससे आप लोग इस तरह ढक दे। ढकने के बाद आप लोग क्या करना है, कंस्ट्रक्शन साइट से जो आप लोग को ये रेत गिट्टी मिलती है, इसी से आप लोग को ये कपड़े के ऊपर या तो जो भी आप लोग जिससे भी ढके हैं उसके ऊपर इसे दे दे थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होगा, जब भी आप लोग वाटरिंग करेंगे तो ये जो ड्रेनेज होल्स है इससे वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा, लेकिन आपके पॉट से सॉइल बाहर नहीं जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सॉइल मिक्सर के लिए मैंने क्या किया है, जो पुरानी पॉट से मेरी जो मिट्टी निकली थी उसे मैंने अच्छे तरीके से सुखा लिया, मैं इसे ही यूज़ करूँगा। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में मैन्योर फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड किया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। सूखी पत्ती की खाद वगैरह भी इसमें ऐड पहले से ही था, काफ़ी अच्छा ये सॉइल है। और इसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें सॉइल ऐड करूँगा और सैंड का मिक्सर ऐड करूँगा, और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं वुड एस का एक चम्मच मैंने लिया टुकड़ा, इसे भी मैं ऐड करूँगा। तो ये एज अ फर्टिलाइजर काम करेगा वुड एस। तो चलिए सबसे पहले सबको मैं मिला लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को वीडियो आगे शेयर करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ सॉइल मिक्सर काफ़ी अच्छे से तैयार कर लिया है। अब चलिए इस अपने पॉट में ऐड करते हैं। चलिए दोनों ही पॉट में भर देता हूँ पहले मैं मिट्टी, तब उसके बाद आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगा। उसके बाद आप चलिए अब हम लोग अपने प्लांट को अपने निकाल लेते हैं इस कैरी बैग से। काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग को निकालना है कि इनकी रूट्स वगैरह डैमेज ना हो। मैं निकाल लेता हूँ, तब आगे आप लोग साथ चर्चा करते हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मुश्किल से मैंने इसे निकाला, काफ़ी दिक्कत हुआ। और आप लोग देख सकते हैं मात्र 2 महीने में देख सकते हैं काफ़ी इनकी रूट्स अच्छी डेवलप्ड हो गई है, देख सकते हैं। अब चलिए इसे मैं सबसे पहले सेपरेट कर लेता हूँ, तब आप लोग साथ आगे का वीडियो मैं शेयर करूँगा। देख सकते हैं मैंने एक ही कैरी बैग में 2 लगा दिया था, तो दोनों ही सक्सेसफुली ग्रो हो गई थी। अब चलिए इसे रिपोर्टिंग करते हैं। और आप लोग भी जब भी रोज़ ये कटिंग वगैरह या तो रिपोर्ट करें, तो आप लोग थोड़ा इनके सॉइल्स हटा ले, देख सकते हैं रूट्स इनके थोड़े आप लोग निकाल ले, ताकि यहीं से नई डेवलपमेंट शुरू कर सके। और आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से मिट्टी हटानी है ताकि इनके रूट्स डैमेज ना हो। तो चलिए मैं अब दोनों को रिपोर्ट करता हूँ। अब देख सकते हैं मैंने अपने कटिंग को अपने पॉट में प्लेस कर दिया है। अब चलिए इन दोनों में मिट्टी ऐड करते हैं। देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी मैंने कटिंग से ग्रो किया है, देख सकते हैं दोनों ही रोज प्लांट काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है। एक में देख सकते हैं बर्ड्स भी आने शुरू हो गए और इनमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी। मैं इनका रिपोर्टिंग का वीडियो आप लोग सॉरी मैं इनकी जब कटिंग से ग्रो किया था तो आप लोग के साथ इसका वीडियो नहीं शेयर कर पाया था, तो सोचा कि आप लोग साथ रिपोर्टिंग का ही वीडियो शेयर कर दूं। और जब भी आप लोग रिपोर्टिंग वगैरह करें किसी भी प्लांट को, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप लोग इवनिंग के टाइम पे रिपोर्टिंग करें। इवनिंग के समय रिपोर्टिंग करने से क्या होता है कि आपको प्लांट के जो ना रात भर का समय मिल जाता है आपके प्लांट को काफ़ी अच्छे तरीके से सेट होने के लिए। आप लोग देख सकते हैं छोटा वाला भी काफ़ी अच्छा नई नई ग्रोथ हो रहा है, इनमें भी देख सकते उस दिन में बर्ड्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगी और काफ़ी अच्छी इनमें भी फ्लावरिंग होगी। तो चलिए सॉइल मिक्सर सबसे पहले अच्छे तरीके से पॉट में भर देते हैं। चलिए वाटरिंग करते हैं अपने पॉट में। और फर्स्ट टाइम जो आप लोग वाटरिंग कीजिए काफ़ी अच्छे से आप लोग का वाटरिंग करनी है कि ऊपर से नीचे तक का सॉइल सरफेस पूरा अच्छे तरीके से गीले होना चाहिए। और सेकंड टाइम आप लोग तभी कीजिएगा वाटरिंग जब थोड़ा आप लोग को सॉइल सर्फेस ऊपर का सूखा दिखाई दे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ 2 सक्सेसफुली कटिंग ग्रो किया था और दोनों को मैंने रिपोर्ट कर दिया है। और दोनों देख सकते हैं काफ़ी अच्छी दोनों की ग्रोथ चल रही है।
और मैं थोड़ा और वाटर दे देता हूँ। और रोज़ प्लांट में मेरी काफ़ी वीडियो मौजूद है, तो आप लोग चाहते हैं अगर कुछ प्लांट्स में मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो मौजूद है रोज़ प्लांट पे, तो मैं इनमें से कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं प्लांट्स रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।